की जिम्मेदारी हमें देने के लिए हमारे झारखंड के सचिव श्री जेपी सर का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हजारीबाग शहर के कलू चौक मंडई रोड स्थित ओएसिस स्कूल सभागार में गुरुवार को हजारीबाग जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें हजारीबाग बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चयनित डॉक्टर एहसान उल हक का स्वागत हजारीबाग बास्केटबॉल एसोसिएशन ने किया। बताते चले कि एक सप्ताह पूर्व हजारीबाग जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन के हुए बैठक में हजारीबाग जिला बास्केटबॉल संघ के पदाधिकारियों के चयन में मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कोच एवं झारखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन के सचिव जेपी सिंह तथा तकनीकी विभाग के मोहम्मद आरिफ की उपस्थिति में हजारीबाग जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष ओएसिस स्कूल के प्राचार्य एवं सीबीएसई के सिटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एहसान उल हक को बनाया गया था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जेपी सिंह ने हजारीबाग जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन के चयनित पदाधिकारी को बधाई दी। बताते चले डॉक्टर एहसान उल हक को बतौर एनटीए और सीबीएसई के सिटी कोऑर्डिनेटर एवं प्राचार्य के साथ अब उनके खेल प्रेम को देखते हुए यह नई जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि हजारीबाग बास्केटबॉल एसोसिएशन ने हमें इस लायक समझा कि उन्होंने हमें प्रेसिडेंट चुना है। निश्चित ही एक बड़ी जिम्मेदारी है। उम्मीद है हम लोग सभी मिलकर टीम भावना से काम करेंगे और हजारीबाग बास्केटबॉल एसोसिएशन को एक नई पहचान देंगे और यहाँ के युवाओं को इस खेल से जोड़ेंगे, जिसका एक बहुत बढ़िया रिजल्ट है। बास्केटबॉल खिलाड़ी हजारीबाग में बहुत सारे रहे हैं, बस ज़रूरत है उनको निखारने का। अगर हम निखारना शुरू करें तो उम्मीद है कि यहाँ से सैकड़ों बास्केटबॉल खिलाड़ी बहुत ही प्रतिभावान साबित होंगे। जी बिल्कुल, हम लोगों ने पहले तय किया है, सबसे पहले हजारीबाग बास्केटबॉल एसोसिएशन को मजबूत करना है। हमें अपने कार्यालय को बढ़िया से सुचारू रूप से चलाना है। खेल प्रेमियों को, बास्केटबॉल खिलाड़ियों को इनसे जोड़ना है। जो थोड़ी बहुत कमियाँ हैं उन कमियों को दूर करना है और कोर्ट्स का बढ़िया से मेंटेनेंस करना है और बच्चों को यहाँ से निखारकर राज्य स्तरीय और देश स्तरीय भेजना है। ग्रामीण परिवेश के बच्चों को जोड़ने के लिए क्या कुछ पहल की? विशेष पहल हम लोगों ने किया है ग्रामीण परिवेश के बच्चों को जोड़ने के लिए। हमारे कोचेस ग्रामीण एरियाज पे जाएंगे, बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर लाएंगे और बच्चों को खेल के प्रति जोड़ेंगे। जो बच्चे इस खेल में थोड़े भी इंटरेस्टेड है उनको खेल से जोड़ेंगे, लगातार अभ्यास कराएंगे और हम अपने मेंटरशिप से प्रतिभाओं को निकालेंगे।